ही चलता है कि जो इस पार्ट में किस चीज के बारे में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स बचपन चाइल्ड हुड के बारे में इस पार्ट में बताया जा रहा है चलिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है लॉन्ग है लेकिन मैं आपको पैराग्राफ वाइज पढ़ के बताऊंगी और साथ में समझाती जाऊंगी चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ तुम्हारी नानी भी बड़ी बुआ भी बड़ी मौसी भी परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी पुकारते हैं हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं पहले मैं रंग में रंगे कपड़े पहनती रही हूँ नीला जामुनी ग्रे काला चॉकलेटी अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो गहरे नहीं हल्के रंग मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं पहले फ्रॉक फिर निकर वॉकर लहंगे गरारे और सब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में ये जो हमारी कवित्री हैं जो राइटर हैं वो क्या बताना चाहती हैं वो ये बताना चाहती हैं कि वो अपने क्या करना चाह रही हैं वो आप सब बच्चों को कहाँ ले जाना चाह रही हैं उनके बचपन में मतलब उनके चाइल्डहुड में ले जाना चाहती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स चाइल्डहुड सबका बचपन अलग होता है एक दूसरे से डिफरेंस होता है क्योंकि आप कैसे इन्जॉय कर रहे हैं कोई दूसरा कैसा इंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी जी रहा है उसमें फ़र्क होता है ऐसे ही कुछ कवित्री हमारी राइटर चाहती हैं कि वो आपको बताएं तो स्टूडेंट्स वो अपने बचपन की तरफ आपको ले जाना चाहती हैं और वो ये बता रही हैं कि वो आपसे बहुत बड़ी हैं आपकी दादी की उम्र की भी हो सकती हैं या फिर आपकी नानी की उम्र की भी हो सकती हैं या फिर आपकी बड़ी मौसी भी हो सकती हैं और स्टूडेंट्स जो उनके परिवार के लोग हैं मतलब उनके फैमिली के लोग हैं जो राइटर के कवित्री के वो उन्हें जी जी बुलाते हैं जी जी पुकारते हैं और स्टूडेंट्स जो कवित्री हैं राइटर हैं वो ये भी बोलती हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करने लगी हैं जैसे उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है वो बूढ़ी हो गई हैं वो सयानी स्टूडेंट सयानी का मतलब कि आपका क्या हो जाना बुढ़ापा आ जाना आप बहुत बड़े हो गए यंग हो गए वो फैमिली के हेड जैसे आप रोल कर रहे हो और स्टूडेंट्स ऐसा उन्हें क्यों लगने लगा है क्योंकि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी पिछली शताब्दी मतलब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि अभी अपन 2020 में हैं तो जो नाइन्टी का दौर था पिछली शताब्दी थी उसमें वो पैदा हुई थी और स्टूडेंट्स पहले उनका मन अलग कलर के कपड़े पहनने का करता था लेकिन अब अलग कलर के ऐसा क्यों हुआ क्योंकि स्टूडेंट फैशन चेंज हो रहा है हर चीज़ चेंज हो रही है तो लोगों मतलब हर चीज़ डे बाय डे चेंज होती रहती है ऐसा तो है नहीं बचपन में आप जो कपड़े पहनते थे वो आज पहनते हो हर चीज़ चेंज हो रही है तो ऐसे ही कुछ हमारी कवित्री राइटर कहना चाहती हैं कि पहले बचपन में मैं कोई और कलर पहना करती थी मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद थे जैसे कि नीला हो गया जामुनी हो गया काला हो गया ब्लैक ब्लू कलर्स लेकिन अब मुझे ये कलर पसंद नहीं है अब मुझे ये कलर अच्छे नहीं लगते अब मुझे जो कलर अच्छे लगते हैं वो सिर्फ वाइट है सफ़ेद है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे कलर पहनूं, हल्के कलर पहनूं। और स्टूडेंट्स हमारी कवित्री राइटर ये बताती हैं कि जब वो छोटी थी, आपकी एज की थी तो उनने भी बहुत अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं जैसे आप लोग भी हर फेस्टिवल में न्यू क्लोथ पहनते हैं और हर कभी मंथ में या वीक में न्यू ड्रेसेस लेने के लिए मार्केटिंग करते हैं जैसे कि उनने फ़्रॉक पहनी फिर निकर वॉक स्कर्ट ये सारी चीज़ें स्टूडेंट फ्रॉक आज भी पहनी जाती हैं निकर वॉकर भी आज भी पहने जाते हैं स्कर्ट लहंगे गरारे गरारे चूड़ीदार और घेरदार की बात की जाए तो चूड़ीदार जो लेगी टाइप स्टूडेंट्स घर में पजामे से ले जाते हैं उनको चूड़ीदार पजामा बोलते हैं हिंदी में और घेरदार कुर्ते जो फ्रॉक टाइप पहले जमाने में घेरदार सिले जाते थे फ्रॉक उतना ही घेर होता था जितना फ्रॉक में हुआ करता इसलिए उन्हें घेरदार कुर्ते बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स चलिए अब अपन नेक्स्ट में आते हैं बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक नीले गुलाबी रंग की फिल उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था लेमन कलर का बड़े प्लेटो वाला गर्म फॉक जिसके नीचे पर टकी थी दो ट्यूनिंग भी याद है एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में जो राइटर है स्टूडेंट्स कवित्री जो है वो अपन को ये बताना चाहती हैं कि उनके टाइम में जो उन्हें कपड़े पहने थे उनने जो सारी ड्रेसेस पहनी थी उनके बारे में उन्हें आज भी याद है इससे क्या पता चल रहा है याददाश्त उनकी बहुत अच्छी है और दूसरी चीज स्टूडेंट्स क्या पता चल रहा है वो अपने टाइम में अपने बचपन में हमें ले जाना चाहती हैं कैसे स्टूडेंट्स क्योंकि वो बोलती हैं कि पहले में हल्की नीली मतलब डार्क कलर नहीं जो लाइट नीले लाइट ब्लू कलर्स होते हैं और जो पीली धारी वाला फ़्रॉक पहनती थी धारी वाला मतलब बॉर्डर कैसा होता था पीली हुआ करता था या कुछ डिज़ाइन कैसी होती थी पीली हुआ करती थी। और वो गोल कॉलर वाला स्टूडेंट्स अभी भी गोल कॉलर चलते हैं पहले गोल कॉलर वाले फ़्रॉक जो नाइन्टीज़ का टाइम था या जो उनके दशक का टाइम था तब ज़्यादा चलते थे और बाजू में गोल कफ ये जो गुब्बारा स्टाइल वाली आस्तीनें होती हैं बाजू होते हैं उस टाइप को अपन बाजू वाला गोल कफ बोल सकते हैं और स्टूडेंट्स वो ये भी बोलती हैं कि उस टाइम भी एक नया फैशन था वो फैशन क्या था स्टूडेंट वो ये था कि लोग गुलाबी रंग का क्या करती थी वो गुलाबी रंग का मतलब पिंक कलर का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक पहनती थी उसमें चुन्नटे होती थी और स्टूडेंट्स क्या करती थी उसमें फिर फिल लगी होती थी फिल मतलब बेल लगी होती थी और उस दिनों एक नया फैशन था वो फैशन ये था स्टूडेंट्स कि लोग रंग बिरंगे रिबन लगाया करते थे आपके टाइम में हुआ भी हुआ करता था क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि हम लोगों में एक क्रेज टाइप हुआ करता था कि जहां पार्टी में जाएंगे जिस कलर की ड्रेस है उसी कलर का अपन रिबन लगाएंगे तो ऐसा उनके टाइम में मतलब अपनी कवित्री राइटर के टाइम में भी हुआ करता था और स्टूडेंट्स कवित्री ये भी बताती हैं कि उनने प्लेटो वाला फ्रॉक भी पहना है मतलब अलग अलग डिजाइन की उन्हें फ्रॉके पहनी है और उसके साथ साथ उन्हें ट्वेनिंग भी पहना है चॉकलेट रंग का और जिसमें कोटी प्याजी होती थी मतलब टॉप कैसा होता था कोटी की तरह होता था और सफ़ेद और ग्रे कलर का होता था तो स्टूडेंट्स इस, इस पेज में आपको क्या समझ में आया पहली चीज आपको ये याद रखना है कि जो आ, आ, हमारी राइटर है जो बच अपने बचपन की तरफ ले जाना चाहती है उनकी एज ज़्यादा है वो नाइन्टीज वो अ, मतलब एक दशक बीत चुका है जब वो पैदा हुई थी इसलिए उनके फैशन में बहुत सी चेंजेस आए हैं और वो ये बताना चाहती हैं कि हमारा दौर कैसा था और आपका दौर कैसा है मतलब उनका चाइल्डहुड कैसा गुजरा था इसलिए वो चाइल्डहुड के बारे में बताते-बताते हमें अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है बचपन में हमें अपने मौजे खुद धोने पड़ते थे वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे इसकी सख्त मनाही थी हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं कहना होगा कि ये पहले से नहीं ज़्यादा आरामदेह हैं हमें जब तक जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता तो स्टूडेंट इस, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में बचपन की एक ऐसी चीज़ एक ऐसी घटना एक ऐसी कंडीशन के बारे में हमारी राइटर कवित्री हमें बताना चाहती हैं जब उन्हें बहुत से चैलेंज फेस करना पड़ता था बच्चों आज अपने पास कोई चैलेंज नहीं है देखते हैं वो क्या चैलेंज था तो स्टूडेंट बच्चों बचपन में क्या करना पड़ता था हमारी कवित्री को हमारी राइटर को उनको अपने मोजे और उनके जो मोजे थे वो उन्हें खुद धोने पड़ते थे उनको खुद ही वो वॉश करती थी ये एक ऊपर से ऑर्डर था मतलब उनके घर में या उनकी फैमिली वालों ने उनसे कह के रखा होगा कि नौकर जो है और जो नौकरानी है मतलब जो वर्कर्स हैं उनको क्या नहीं उनको आप अपने मोजे नहीं देंगे आप अपने शौकस नहीं देंगे आपको खुद ही सॉक्स को शौकस को और मौज़ों को धोना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कवित्री राइटर ये कहना चाहती हैं कि जो उनका संडे होता था इतवार होता था वो इसी चीज़ में निकल जाता था किस चीज़ में उनके जूतों को उनके मोजों को उनके मोजों को धोने में और जूतों को पॉलिश करने में और वो ये बोलती हैं कि जितने बार जितनी अच्छे से वो ब्रश से क्या करती थी कपड़े से किसको रगड़ती थी जूतों को रगड़ती थी साफ़ करती थी उतने ज़्यादा जूते चमकते थे तो स्टूडेंट उस टाइम एक बात तो आपको साफ़ है कि उस टाइम पॉलिश वगैरह नहीं हुआ करती थी तो कपड़े से या साबुन वगैरह लगा के ब्रश वगैरह से घिस के ही जूतों को धोया जाता था वहीं राइटर कवित्री ये भी बोलती हैं कि आज तो बूट पॉलिश हैं अलग अलग तरीके की हैं आरामदेह हैं अपने लिए क्योंकि मिनटों में अपन पॉलिश कर सकते हैं अपन को ना रगड़ना पड़ता है ना धोना पड़ता है और स्टूडेंट्स आजकल तो स्टूडेंट्स के पास क्या है नए जूते हैं आपको पॉलिश भी मिनटों में हो जाती है लेकिन कवित्री जो राइटर है उनके साथ ऐसा नहीं हुआ करता था कुछ जब वो नए जूते लेती थी तो उनके पास छालों का इलाज उन्हें ढूंढना पड़ता था छाले क्यों होते थे स्टूडेंट्स अब इसको मैं आपको बता दूं क्योंकि जब नए जूते आप खरीदते हैं तो स्टूडेंट्स पहले टाइम में इतना अच्छा चमड़ा नहीं हुआ करता था इतने अच्छे लेदर के शूज़ नहीं हुआ करते थे इतनी ब्रांडेड शूज कंपनिया इंडस्ट्रीज नहीं थी जो प्रोडक्ट्स बनाए तो स्टूडेंट उस टाइम जब अपन जूते लेते थे तो वो कुछ काटते थे कैसे काटते थे कुछ ऐसे कि आपके पैरों में छाले पड़ जाते थे तो उन छालों का इलाज भी हमारी राइटर कवित्री बता रहे हैं आजकल ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स आपको एक से एक चीजें मिल जाएंगी लेदर के शूज लेना है इस कंपनी के लेना है इस ब्रांड के लेना है महंगे से महंगे चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है हम सनीचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टल ऑयल पीना पड़ता ये एक मुश्किल काम था सनीचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मिलती मितली होने लगती मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वे शनिवार तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था सेहत ठीक ही रहती तुम्हें तो बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल चुकी हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कवित्री राइटर ये कहना चाहती हैं कि जब उनके वो लोग दूर जाते थे स्कूल से या अपने घर से कहीं दूर चल के जाया करते थे और जब उनके जूते उन्हें काटा करते थे तो वो रुई कॉटन अपने बैग में रखा करती थी ताकि वो जब काटें तो रुई रख लें और स्टूडेंट्स वो ये बोलती हैं कि आपके और हमारे बचपन में बहुत फर्क है आप हमारी बातों को कैसे समझोगे और स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये तो आसान सी बात है लेकिन स्टूडेंट्स इतनी आसान सी बात नहीं है क्योंकि बहुत चैलेंजेस होते थे पहले टाइम पे आज भी हैं और हमेशा कुछ ना कुछ रहते हैं और स्टूडेंट्स वहीं दूसरी और लेखिका जो है कवित्री जो है वो ये बताना चाह रही हैं स्टूडेंट्स कि वो क्या कर रही थी वो सनीचर को ऑलिव ऑयल पीती थी ऑलिव ऑयल स्टूडेंट्स अब आपको मैं बताऊँ जैतून का तेल वगैरह वो ये पिया करती थी और स्टूडेंट्स वो ये बोलती हैं कि सनीचर को जब उन्हें ये पिलाया जाता था तो उन्हें उसको देख के वार्मिटिंग आने लगती थी उल्टी आने लगती थी क्योंकि बच्चों आपको पता ही होगा कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती तो आप नहीं पीते ऐसे ही लेखिका को भी वो अच्छी नहीं लगती थी और उनको जिस गिलास में वो दिया जाता था उन मार्क लगा के कि आपको पीना ही है उन्हें उससे बहुत गुस्सा आता था वो ये बोलती हैं कि अगर हम बचपन में ये नहीं पीते तो भी कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं हमारा हमारी हेल्थ हमारी सेहत वैसे ही रहती और वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स ये भी बता रही हैं लेखिका कि वो क्या करना चाह रही हैं वो आपको ले जाना चाह रही हैं अपने दौर में और वो बताएंगे कि आपके बचपन आपके चाइल्डहुड और उनके चाइल्डहुड में कितना फर्क था कितना डिफरेंस था याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे रेडियो टेलीविजन भी नहीं थे हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई थी कचोड़ी समोसा पैटीज में बदल गया था शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में उन दिनों कोक नहीं लेमनेट पिमटो मिलती थी शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ग्राउंड ब्रेड लाने की तो स्टूडेंट इस, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है अब क्या कर रही हैं जो हमारी लेखिका है हमारी राइटर है इस पार्ट की इस चैप्टर की वो आपके बचपन को और उनके बचपन को क्या कर रही हैं डिफ्रेंशिएट कर रही हैं उसमें बता रही हैं कि क्या अलग था और क्या सेम है तो वो बोलती हैं उस समय में ग्रामोफोन थे ग्रामोफोन हुआ करते थे स्टूडेंट ने एक टाइम का वो भी टेलीविज़न नहीं था तब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और बाकी दूसरी चीज़ें लेकिन अब क्या है स्टूडेंट अब रेडियो है टेलीविज़न है और उनके टाइम में कुल्फ़ी हुआ करती थी कुल्फ़ी जो मटके में छमा के बेची जाती थी लेकिन अब आइसक्रीम है चोकोबार है ये है वो है कौन वाली आइसक्रीम है तो ये वाली आइसक्रीम है स्टूडेंट्स उनके टाइम में कचौड़ी समोसा हुआ करता था लेकिन आजकल पेटीज़ और फास्ट फूड में बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों को ज़्यादा उनमें ज़्यादा दिलचस्पी है क्योंकि वो फास्ट फूड ज़्यादा खाना चाहते हैं पहले ज़माने में स्टूडेंट उनके टाइम में शहतूत और फालसे और खशकश का शरबत हुआ करता था शहतूत एक तरीके का फल होता है खशकश एक तरीके की आती है वाइट कलर की होती है स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है माना जाता है कि अगर आप उसका शरबत पीते हैं तो बहुत सी बीमारियाँ और बहुत सी चीज़ों से आप महफूज रहेंगे बच रहेंगे अब स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ों के जो शरबत थे उनके टाइम में अब वो कोक और पेप्सी में बदल गए हैं क्योंकि अब आप फेंटा है माज़ा है कोका कोला है अब वेरियस टाइप ऑफ चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप पी रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लेखिका है वो कहना चाहती हैं कि सब कुछ चेंज हो चुका है कैसे चेंज हो चुका है कि हमारे वहाँ किसी और टाइप की चॉकलेट पाई जाती थी आजकल किसी और टाइप की जैसे कि डेयरी मिल्क हो गई कैडबरी हो गई इसका सेलिब्रेशन उसका सेलिब्रेशन और स्टूडेंट्स ये भी बताती हैं लेखिका जो राइटर हैं कि उनके उनकी और उनके भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी ब्राउन ब्रेड लाने की कहाँ से शिमला मॉल से अब स्टूडेंट ब्राउन ब्रेड भी एक तरीके का ब्रेड होता है आपने खाया होगा क्योंकि आज भी ब्राउन ब्रेड मिलता है चलिए आगे आते हैं हमारा घर मॉल से जरूर दूर नहीं था एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाव हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती घर लौट साइड साइडबोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले कर खाती शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए टेस्टनम एक और गजब की चीज आग पर भूने जाते और फिर छिलके मुंह में खाए जाते अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जब जो लेखिका है राइटर है उनकी और उनके भाई की ड्यूटी लगती थी ब्राउन ब्रेड लाने के लिए तो वो उनके घर से जिस मॉल में ड्यूटी लगती थी वहां से आपको लेके आना है ब्राउन ब्रेड वो ज़्यादा दूर नहीं था छोटी सी चढ़ाई मतलब एक छोटा सा जो पहाड़ टाइप मान लीजिए या आप चा, चढ़ाई मान लीजिए उसे हिल जैसा जो होता है उसको वो चढ़ती थी और मैदान आता था और फिर वो वहाँ पहुँच जाती थी और फिर स्टूडेंट्स वहाँ पे जब वो जाती थी तो उनको काउंटर पे बहुत अलग अलग चॉकलेट की खुशबू आती थी और स्टूडेंट आपको तो पता ही है बचपन में और आप लोगों को अभी तक बड़े बड़े लोगों को चॉकलेट कितनी पसंद होती है उनकी फेवरेट होती है तो ऐसे ही कुछ लेखिका राइटर के साथ भी था और स्टूडेंट्स एक और रूल था उनकी लाइफ का वो ये था कि एक हफ़्ते में मतलब वन वीक में एक ही बार वो क्या कर सकती थी एक ही बार वो चॉकलेट्स खरीद सकती थी और जो लेखिका हैं राइटर हैं वो ये भी बताती हैं कि सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट हुआ करती थी वो किसी और के पास नहीं बल्कि उनके पास हुआ करती थी किन के पास लेखिका के पास हुआ करती थी और वो ये भी बताती हैं एक अच्छी आदत के बारे में कि स्टूडेंट्स वो कभी कभी खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी आजकल अपन बच्चे क्या करते हैं वो इनको उनको फुलकी का ठेला दिख गया उनको पेटीज दिख गई वो किसी होटल में गए किसी रेस्टोरेंट में गए उन्हें ज़्यादा भूख लग रही है तो वो कहीं भी खड़े होकर खा लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स फिर क्या होता है स्टूडेंट्स वो बोलती हैं कि मैं खड़े खड़े नहीं खाती थी मैं घर लौटकर साइड बोर्ड में रख देती थी और फिर जब रात का खाना हो जाता था मतलब मैं डिनर कर लेती थी फिर उसके बाद आराम से बिस्तर पे लेट के आराम से उसका आनंद लेती थी और स्टूडेंट्स वो कुछ शिमला की चीज़ों को भी याद करती हैं जैसे कि काफल के बारे में बताती हैं तो स्टूडेंट काफल क्या है काफल एक तरीके के खट्टे मीठे फल हुआ करते थे जो एकदम लाल होते थे गुलाबी होते थे वो जो लेखिका है राइटर हैं वो बोलती हैं कि इसके बारे में सोचकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और वहीं दूसरी चीजों के बारे में भी वो बताती हैं और वो उन दूसरी चीजों के बारे में बताती हुई कहती हैं कि मुझे शिमला की याद आती है उन चीजों की याद आती है जो मैंने क्या की है बचपन में उन लम्हों की याद आती है जो मैंने मेमोरीज क्रिएट की हैं बचपन में चलिए आगे आते हैं चने जोर गरम और अनार दाने का छूण हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी वे अब भी नजर आती है पुराने का, न, कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा का कमाल है नीचे से तिरछी लपेटे हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसा आ, पुड़िया आ, पर तेल मसाला बुर पूरा गिरजा मैदान घूमते तक ये पुड़िया चलती एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास की तरह लय रफ्तार थी चुटपन मैं हमने शिमला रिच पर बहुत मज़े किए हैं छोटों की सवार घोड़ों की सवारी की है शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है अब स्टूडेंट चना चोर गरम जो चने की पुड़िया जो आज भी अवेलेबल है जिसमें पेपर जो होता है उसको मोड़ देते हैं कोन की तरह आइसक्रीम के कोन की तरह चना डाल देते हैं उसमें और आसानी से आप हाँ भात डालकर चना खा सकते हैं अब स्टूडेंट्स ये आपकी पसंद होती है कुछ बच्चे ज़्यादा नमक डलवाते हैं कोई ज़्यादा खट्टा करवाते हैं कोई ज़्यादा मीठा तो ऐसे ही कुछ लेखिका राइटर बताना चाहती हैं कि उनके टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ करता था कि कुछ लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते थे ज़्यादा मसाला डलवाते थे वो लोग पूरे मैदान में टहलते टहलते मज़े करते करते चना खाया करते थे उनका पूरा मैदान का चक्कर खत्म हो जाता था फिर जाके कहीं चना खत्म हुआ करता था वो बोलती हैं कि ये जो चना गरम और अनार दाने का चूर था ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वहीं दूसरी ओर शिमला की एक और चीज़ के बारे में वो बताती हुई कहती हैं कि वो कहाँ शिमला पे क्या होता था शिमला में जो बच्चे रहते हैं उनको एक बार घोड़े की सवारी तो करने को मिल ही जाता था मौका इसलिए उन्होंने भी क्या किया है स्टूडेंट्स घोड़े की सवारी की है चलिए आगे आते हैं हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते उन पर हंसते थे नरियाल के घोड़े खूब दुष्ट पुष्ट और खूबसूरत उनकी बात फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने झाकू का पहाड़ ऊंचा चर्च चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं तो इस, इस पैराग्राफ में क्या बता रही है इस पैराग्राफ़ में लेखिका बताना चाहती हैं कि उन्हें वो जो बच्चे थे और वो थीं वो क्या करती थी वो चाइल्डहुड में गो, जो घोड़े हुआ करते थे उन्हें क्या समझती थी कम तक मतलब वो नीचे समझती थी कि ऐसे ही होते हैं ये किसी काम के नहीं हैं बस लोग इस पर चढ़ सकते हैं बाकी चीज़ें लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं उनको बाद में उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं वहीं दूसरी ओर वो बताती हैं कि जहाँ उनके नानी का घर था वहाँ के जो घोड़े हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे लेकिन उनके बारे में वो बाद में कभी बताएंगी अभी नहीं बताएंगी वो एक और चीज़ बताती हैं कि शाम को जब पाँच से छ का टाइम होता है तब जो सारे बच्चे थे वो गुब्बारे खेलते थे और जब जैसे ही गुब्बारे खेलते थे और जैसे जैसे रात होती थी तो चर्च की जो घंटियाँ होती हैं गिरजाघर की जो घंटियाँ होती हैं बैल जो होती है वो बजने लगती थी जब बैल घंटी बजती थी तो स्टूडेंट्स लेखिका बोलती है राइटर बोलती है कि उन्हें लगता था कि जो प्रभु यीशु हैं वो क्या कर रहे हैं वो खुद आपके सामने प्रकट हो गए हैं वो खुद एक संगीत गा रहे हैं स्टूडेंट समझ में आया इसको कहानी के तौर पे समझिए आपके बचपन को और उनके बचपन को डिफरेंस में बदलिए उनके बचपन को समझिए और अपने बचपन को देखिए सामने आकाश पर सूर्योस्त सूर्योस्तय हो रहा है गुलाबी सुनेरिया धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी रिज पर भी रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोला हाल सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का, का मॉडल बना हुआ था इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन एक और लाल तीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे तो स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है अब सूरज डूब रहा है अब सन सेट हो रहा है तो अब क्या हो रहा है अब धारियाँ हो रही हैं मतलब आसमान में धीरे धीरे जैसे ही जैसे सूरज डूबता है तो सूरज की जो कुछ लाल कुछ गुलाबी कुछ ऐसी पीली किरणें जो होती हैं वो जहाँ सूरज डूब रहा होता है वहाँ दिखती हैं और एक तरीके से जिधर सूरज डूब रहा होता है जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में वहाँ फैल जाती हैं तो स्टूडेंट्स वो बोलती हैं कि दूर दूर जो उनके जो उनके घर से दूर दूर पहाड़ थे वो क्या कर रहे थे अब वो छिपते जा रहे थे क्या होने लगा धीरे धीरे जैसे ही जैसे रात हुई लोगों के घर की जो बत्तियाँ थी वो टिमटिमाने लगी वो शुरू हो गई मतलब जलना शुरू हो गई और स्टूडेंट्स वो बोलती हैं कि एक तरीके से उनके शिमला शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल था कौन से शोरूम में उनके वहाँ शिमला में जो शोरूम था वहाँ पे शिमला और कालका के बीच जो ट्रेन चलती उसका मॉडल था पटरियां थी जहाँ पे एक छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन खड़ी रहती थी हर छोटी छोटी दूरों पे स्टेशन बनाया गया था और सिग्नल भी था चलिए यहाँ आते हैं पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी कभी कभी हवा, हवाई जहाज भी देखने को मिलते दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर ये देखो और वे गायब उनकी स्पीड ही इतनी तेज लगती हाँ गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान भी थी जो मुझे कभी नहीं भूलती ये एक दुकान भी मेरा पहला चश्मा बना था वे आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे तो स्टूडेंट्स गाड़ियों के बात हो रही है कि जो हमारी लेखिका राइटर हैं वो कहना चाहती हैं कि पहले ज़माने में जो बहुत ही तेज़ रफ्तार वाली कोई चीज़ हुआ करती थी तो वो गाड़ियाँ ही थी हवाई जहाज़ भी बहुत कम देखने को मिलते थे कभी कभार अगर कोई हवाई जहाज जाता था तो सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे और वो देखना चाहते थे भीड़ इकट्ठा कर लेते थे सब लोग कि हवाई जहाज कहाँ जा रहा है और उसको देखना चाहते थे एक तरीके से बस और स्टूडेंट्स इस, इस दुकान के अलावा लेखिका एक और दुकान को याद करती हैं उस अंग्रेज की दुकान उस ब्रिटिशर्स की उस ब्रिटिशर की दुकान जहाँ पे उनका पहला चश्मा स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा छोटे बड़े मेरे चेहरे की और देखते और कहते के, आंखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में एनक दूध पिया करो मैं डॉक्टर साहब को uh, का कहा दोहरा देती कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा uh, आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा नंबर बस कम ही होता रहा मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा देखो देखो कैसी लग रही है तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे लेखिका राइटर ये बताना चाहती हैं कि उस ज़माने में ज़्यादा लोगों को चश्मा नहीं लगता था लेकिन स्टूडेंट आज के टाइम में ऐसा दौर आ गया है ऐसी फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर रही है लेकिन खान पान में जो मिलावट है जो मिलावटें आ रही हैं जो फर्टिलाइजर्स डल रहे हैं उसके वजह से हर छोटे से छोटे बच्चे को चश्मा है उस ज़माने में जब लेखिका को चश्मा लगा था तो लोगों ने चिढ़ाते थे कि क्यों ऐसा क्या है इस उम्र में तुम्हें चश्मा क्यों लगा है और उनसे कहते थे तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था लेखिका को तो वो सबसे बोल देती थी डॉक्टर साहब की लाइनें कि डॉक्टर साहब ने कहा है अगर लगाओगे लगातार लगाओगे रेगुलर लगाओगे तो उतर जाएगा लेकिन वहीं दूसरी ओर लेखिका ये भी बोलती है कि आज तक मेरा चश्मा नहीं उतरा वो इसलिए नहीं उतरा सिर्फ उनका नंबर कम हुआ है क्योंकि उनकी गलती थी क्या गलती थी स्टूडेंट क्योंकि वो रात के अंधेरे में पढ़ती थी दिन की रोशनी के वजह को छोड़कर जिसके वजह से उनकी आंखें खराब हो गई और स्टूडेंट्स से यह भी पता चल रहा है कि उनके टाइम का जो खान पान था बहुत ही अच्छा था इसलिए चश्मे को बुरा माना जाता था लेकिन आजकल आम फैशन हो गया क्योंकि हर दूसरे हर तीसरे इंसान को चश्मा लगा हुआ है और स्टूडेंट्स वो ये बोलती हैं कि एक बार उनके जो चचेरे भाई थे मतलब उनके जो चाचा के लड़के थे उनने उनको छेड़ा था क्या बोला था कि तुम कैसी लग रही हो ये सारी चीजें जिससे उन्हें बुरा लगा था क्योंकि चश्मा पहनना उस टाइम बहुत बुरा माना जाता था चलिए ये लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं आग पर चश्मा लगाया ताकि आ, 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 सूजे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की मैं सी जी की मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है पर शेर बुरा ना लगा जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई कई बार आ, आ, अपने को देखा ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी देखती रही देखती रही सूरत लंगूर की नहीं नहीं हाँ हाँ लंगूर की नहीं नहीं हाँ हाँ मैंने अपने छोटी भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा कुछ अजीब लगा अच्छा भी और मजाकिया भी जबकि बात है जब वो चेहरों के साथ घुल मिल गया है चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है याद आ गया वे टोपा काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत हाँ इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ मैंने कई रंगों की जमा कर ली है कहाँ दुपट्टों का और ना और कहाँ सहल सहल सुबीतों वाली हिमाचलियाँ टोपियाँ तो स्टूडेंट्स उनके जब चचेरे भाई ने उन्हें चेहरा था क्योंकि स्टूडेंट डॉक्टर ने जो ब्रिटिशर अंग्रेजी डॉक्टर थे उनने उनसे बोला था लेखिका से राइटर से कि आप इसको लगातार लगाएंगी तो ही आपका चश्मे का नंबर कम होगा वरना आगे जाके आपको परेशानी होगी तो उनके जो चचेरे भाई थे चाचा के लड़के उनने उन्हें छेड़ा था सूरत बनी लंगूर की ऐसा करके जिससे लेखिका को बहुत बुरा लगा और वो कमरे में गई आईने के सामने खड़ी हो गई बहुत देर तक खड़ी रही अपने छोटे भाई की टोपी उठा के लगाई फिर उन्होंने कहा ये तो मजाकिया भी लग रहा है और अजीब भी लग रहा है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया जैसे जैसे चीजें चीज़ें बदली वो आपस में घुल मिल गईं अब वो चश्मा नहीं लगाती तो उन्हें बहुत खाली लगता है अजीब लगता है पहले लगाती थी तो अजीब लगता था लेकिन अब नहीं लगाती तो अजीब लगता है अब वो बोलती हैं कि वो टोपा आ, को याद करती हैं और वो क्या करती हैं जो शिमले में टोपियाँ आती हैं उनको पसंद करती हैं और सर में टोपियाँ ही लगाती हैं वो दुपट्टे नहीं ओढ़ती और ना ही हिमाचलियाँ टोपियाँ उनको इतनी भाती हैं और स्टूडेंट्स ये पार्ट लिखा गया है कृष्णा सोपती के द्वारा तो स्टूडेंट्स ये पार्ट यहीं एंड होता है अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन सॉल्यूशन जो प्रश्न उत्तर है प्रश्न अभ्यास है उनको पढ़ेंगे चलिए जब तक लिए बाय टेक केयर